हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमिनिन आपके लिए करंट एनर्जी जो कि आपके पार्टनर की है वैसे तो बहुत अच्छी है, बहुत खुशी भी हो रही है मुझे बताते हुए आप लोगों को। तो जिन लोगों का अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, लेकिन आप पॉजिटिव हो, आपके जो अदर पार्ट हैं, आपका डीएम या डीएफ, वो भी पॉजिटिव सोच रहे हैं, आप लोगों की अबंडेंस, ग्रोथ, मनी, जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप सब में ग्रोथ हुई है। नो कॉन्टैक्ट होते भी आप लोग पॉजिटिव हुए हो। जरूरी नहीं है कि बातें होनी जरूरी हैं, एहसास होना जरूरी है, ठीक है जी। ये जो एहसास है एक पॉजिटिव वे में, एक दूसरे को ब्लेसिंग थैंक यू कहते हुए, जो एक पॉजिटिव साइन आप लोगों के लिए मतलब कि दिख रहा है आपके पार्टनर के दिल में, थैंक यू करते करते नहीं थक रहे, क्योंकि जब आप नो कॉन्टैक्ट जोन में होते हैं तो आपका पार्टनर हो चाहे आप हो, अपने पर्पस पे, अपनी लाइफ जर्नी के ऊपर आप प्रोग्रेस कर रहे होते हो। जब आप प्रोग्रेस करते हो, अपने आप को एक मतलब कि अच्छे अचीवमेंट ले करते हो, कोई भी डिमेंशन में चेंज होते हो, या आपको गिफ्ट मिलते हैं, डिवाइन गिफ्ट मिलते हैं, पॉजिटिविटी मिलती है, तो आपकी ग्रोथ निश्चित हो जाती है। आपके पार्टनर को जब वो कोई कैरियर जॉब में बहुत बड़ा फाइनेंस ग्रोथ हुआ है, आपकी भी ग्रोथ हो रही है, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, अगर उसमें ग्रोथ दिखने को मिला है, तो ये सब आप दोनों की मेहनत का नतीजा है। आप लोगों के ड्रीम कंप्लीट हो रहे हैं जो आप कभी चाहते थे, क्योंकि जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं, जब हमारा परमानेंट यूनियन नज़दीक होता है और हम लोग अपना सोचते हैं कि अब हमें, जब डिज़ायर ख़त्म कर दी जाती है, ठीक है जी, तो अब हमें डिज़ायर नहीं रहती। जब हम मेटलिस्टिक होते हैं तो हम या तो रिलेशनशिप जो उससे ज़्यादा बना लेते हैं, या लोगों के साथ ठगी करते हैं, या चोरी चकारी जो भी आप कह सकते हो, एक फाइनेंशियल को लेके हमारा माइंडसेट होता है कि हमें पैसा, या अपने पार्टनर के साथ ही आपने चीट करके पैसा लिया हो, ठीक है जी। ये सारे पैटर्न्स होते हैं, जिन जिनके साथ बीता है मैं उन्हें पता है कि आपके पार्टनर जो होते हैं वो मनी ब्लॉकेज की वजह से भी आपसे दूर रन करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके लाइफ में भी अबंडेंस की ग्रोथ हुई है, तो आपके पार्टनर का भी सेम ग्रोथ हुई है, वो भी इसी वजह से आपको थैंक यू कह रहे हैं। कभी ना कभी आपने उनको थैंक यू बोलते होंगे कि उनकी वजह से आपको ग्रोथ होती है। तो जब आपको ग्रोथ देखते हो, ड्रीम कंप्लीट होते हुए देखते हो, तो आप अपने पार्टनर को थैंक यू करते हो। यही सेम पैटर्न आपका पार्टनर के बारे में भी हुआ है कि वो भी आपको थैंक यू कर रहे हैं। आपका डिटैचमेंट रहना, उनसे दूर रहना, उनकी ग्रोथ करना है, वो फूले नहीं समा रहे हैं इस टाइम आपके लिए कि उनकी वजह से वो ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि उन्होंने अपने पर काम किया है। उन्होंने डिटैचमेंट मतलब जो थर्ड पार्टी के साथ भी डिटैच हुए हैं आपकी ग्रोथ की वजह से, क्योंकि आपने ही तो उन्हें एक रास्ता दिखाया है कि डिटैचमेंट कितना जरूरी है आप लोगों के बीच में। अगर डिटैच हो तभी तो काम कर पा रहे हो। एक दूसरे को स्पेस दिया है आपने, बदलने का टाइम दिया है, खुद को चेंज कर लिया है दोनों ने अपने अपने वे में, चाहे वो कर्मिक डील हो चाहे वो कर्मिक हील हो। आप दोनों वे में हीलिंग करते हुए, दोनों वे से हीलिंग कर रहे थे। बहुत बड़ा रिजल्ट जो आप लोगों की ग्रोथ देखने को मिल रही है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी भी जिनको लगता है कि आपके पार्टनर ब्लेम करते हैं या आप उनको ब्लेम करते हैं, तो सावधान हो जाइए। ये सबसे बड़ा रीज़न है आपकी जर्नी को डिले करने का। आप 3D से देखते हैं, इसीलिए आपको हर चीज़ गलत लगती है। जिस दिन आप 5D में हो जाएंगे, 3D वाले को जो 3D है वो आपको सही लगेगा, क्योंकि आपको ग्रोथ करने में 3D का ही रोल है। चाहे थर्ड पार्टी बोलो या 3D वर्ड बोलो, ये लोग जब चेंज होके आते हैं आपकी लाइफ में, चाहे आपका DM 3D से 5D में शिफ्ट होता है, तो वो ही आपको ग्रोथ में आपकी हेल्प करता है। उन्हीं की वजह से, डिटैचमेंट करने की वजह से, उन्हीं से जब आपको डिटैच रखते हैं, तो आप एक मतलब कि ग्रोथ करते हैं अपनी लाइफ में। आप इतने सारी चीज़ें, डिवाइन गिफ्ट, ड्रीम कंप्लीट कर पाते हैं, अबंडेंस मिलती है, ग्रोथ मिलती है। अभी भी वक्त है, संभलिए, समझिए इस जर्नी को। बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, मैं मानती हूँ तकलीफ होती है, लेकिन जब ये 5D लेवल पे कनेक्शन पहुँच जाता है ना, तो आप समझ भी नहीं सकते कि ये लोग शायद देवी देवता से कम भी नहीं होते। हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, तो इसीलिए आपको मैं यही सजेशन करूँगी, 5D लेवल तक पहुँचिए, अपनी लाइफ को जीना सीखिए, पहुँचिए। 3D वर्ड को छोड़ दीजिए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है,
आपकी क्लियरिटी के लिए, इशू क्लियर के लिए, आपके पास कर्मा रिलीज करने के लिए, संस्टर क्लियरेंस के लिए, सब के लिए जरूरी है 3D में बाहर निकलना। अगर 3D में घूमोगे तो आपको वही दिखेगा जो आप देखना चाहते हो। अपनी सोच, अपनी नजरें 5D लेवल से देखिए, आपको सब हकीकत पता लग जाएगी, बहुत कुछ पता लग जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा इसलिए बोलती हूँ कि थैंक यू बोलना सीखिए, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, डिवाइन का कीजिए, एंसेस्टर का कीजिए, एंजल्स का कीजिए, सबका, 3D पार्टी का भी कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग में उनका ही रोल होता है। 3D पार्टी आप लोगों को, अगर वो ही बीच में ना हो तो आप लोग एक दूसरे के साथ कैसे सरवाइव कर सकते हैं? उनकी क्लिंजिंग कौन करवाएगा? 3D पार्टी। आपकी भी थर्ड पार्टी है, उनकी भी थर्ड पार्टी। जब अब ये रिलीज होती है तो ये चेंज होके आपकी प्रोग्रेस में हेल्प करते हैं, यही चेंज होके आते हैं आपकी लाइफ में। आज अगर आप इस चीज को समझते हैं तो आपकी परमानेंट यूनियन का, जितने भी डिवाइन से यूनियन, मैं कह रही हूँ सब पॉसिबल है। खुद को चेंज कीजिए, ठीक है जी। आपके पार्टनर की ग्रोथ, अबेंडेंस, हर जगह वो नंबर वन, टॉप वन जा रहे हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है। अगर जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है तो इन वक्त कीजिए अपना, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज जरूर है। अपने अंदर झांकिए, मुझे कहाँ काम करने की जरूरत है, अपने पार्टनर को थैंक यू बोलिए। मे भी हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए, लेकिन दिल से माफ़ करना सीखिए। जिस दिन ये चीज़ें आप एक्सेप्ट कर लोगे, उस दिन आपकी यूनियन पॉसिबल है, अपने आप से यूनियन पॉसिबल हो पाता है, ठीक है जी। अब तक ये एनर्जी अपडेट, और मैं एक सॉन्ग डालूंगी, आपके पार्टनर आपको ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं। तो अब तक की एनर्जी और एक सॉन्ग, रिलेट हो तो कमेंट करना। थैंक यू सो मच।